इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर के मरकजी इलाके के तौर पर खड़े बाजार, कोतवाल गली, मारुति गली, समाधि गली, करलेश्वर रोड को जो हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाकों के तौर पर जाने जाते हैं, अक्सर आप देर रात तक यहाँ लोगों की चहल पहल देख सकते हैं। छोटे ताजिरों से लेकर बड़ी दुकानों का कारोबार यहाँ हमेशा चलता रहता है। यकीनन सभी इस बात से वाकिफ है कि कोरोना आलमी वबा का दौर जारी है। पिछले साल इसी रमजान के दौरान लॉकडाउन रहा, वैसे तो पूरा साल ही कोरोना वबा की जद में रहा, पर कल अचानक दोपहर के बाद पुलिस इंतजामिया की जानिब से सख्ती से दुकानों को बंद करने की वारदात से छोटे मोटे ताजिरों में डर खौफ का माहौल देखा गया। ये भी बात उतनी सच है कि जो भी मशवरे या हुक्म नाफिज किए जाते हैं एमएस बेलगाम मोहकमा की जानिब से अमल किया जाता है, जिसमें यहाँ के मोहकमों का कोई दखल नहीं रहता, पर जो भी फैसला लिया जाता है उसके खिलाफ कपड़ा, जूता और दिगर ताजिरों ने डीसी बेलगाम से मुलाकात फरमा कर अपनी फरियाद दर्ज की। आज फिर खड़े बाजार, किर्लोस्कर रोड, मारुति गली, समाधि गली के तमाम ताजिरों ने फिर डीसी बेलगाम से मुलाकात फरमा कर जिस तरह दुकानों को बंद किया जा रहा है इसमें रियायत दी जाए। लिहाजा इस वक्त एमएलए अनिल बेनके और एमएलए अभय पाटिल भी मौजूद थे। उन्होंने इत्तेहाद न्यूज को बताया कि कपड़ा, जूता और दिगर ताजिर जो खासकर लाखों रुपए बतौर कर्ज लेकर रमजान महीने के लिए स्टॉक खरीदते हैं और अगर बंद करने से भुखमरी की नौबत आ सकती है, लिहाजा कुछ रियायत दे दी जाए ताकि रमजान के लिए जो माल लाया गया है उसे बेचकर कर्ज से निजात पा सके। इस वक्त रमजान के महीने में दरबार गली, खड़े बाजार, किर्लोस्कर रोड पर सड़क के किनारे ठेले लगाने वालों ने हुकूमत से गुजारिश फरमाते हुए कुछ घंटों की रियायत की मांग की ताकि जिस माल को खरीदा है उसे बेच सके, वरना तो कर्ज तले ही दब कर मर जाएंगे। बेलगाम डीसी से हमारी गुफ्तगू हुई है और बेंगलोर से इस मामले में राब्ता किया जा रहा है, ऐसा एमएलए बेनके ने कहा। आगे उन्होंने अचानक पुलिस की जानिब से सख्ती से दुकानों को बंद करने के रवैये की भी मजम्मत फरमाई और कहा कि कुछ वक्त देना होगा, यानी कि ताजिरों को कुछ वक्त देना होगा। शहर बेलगाम के ताजिर इस वक्त काफी परेशान थे और मुश्किल हालात से कैसे निपटा जाए इस सोच में मुब्तला थे। इनका सवाल था कि कोरोना चुनावी रैलियों में नहीं था, पर जब गरीब अपनी रोज रोटी के लिए मजदूरी या ठेले पर फल फ्रूट बेचकर गुजारा करना चाहता है तो हुकूमत या पुलिस डंडों के जरिए इन्हें भगाती है, आखिर हम गरीब करें तो क्या करें, ऐसा सवाल भी इन्होंने। कुछ ताजिरों ने तो कहा कि हम कोरोना से मरने के लिए तैयार है पर भूख से नहीं मरना चाहते, हमें कारोबार करने की इजाजत दी जाए, पिछले लॉकडाउन के जख्म अभी भरे नहीं है और एक बार फिर दोबारा मुश्किल वक्त का सामना करने की कुव्वत हम ताजिरों में अब नहीं है। महज बेलगाम ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ शहरों में यह तस्वीर देखी जा रही है, फिर से लॉकडाउन जैसे सख्त मरहले से कोई गुजरना नहीं चाहता। गोकाक में भी इसी तरह ताजिरों ने तहसीलदार से अपना मुतालबा पेश करते हुए कहा कि शराब की दुकानों को तो खोला जा रहा है और रोजमर्रा की दुकानों को बंद करने का फैसला भी अजीब है। लिहाजा बेलगाम में भी जब ताजिरों ने अनिल बेनके से सवाल पूछा कि शराब की दुकानें खड़े बाजार में खुली है और वहां पर भीड़ भी है पर पुलिस की नजर उन पर क्यों नहीं आती, इस बात पर अनिल बेनके ने फौरी तौर पर शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लेने की बात कही और ताजिरों के मसले को हल करने का वादा किया। केंद्र वस्तु राज्य सरकार के सरकार के कल सरकार जो आचार्य ने जो डिसीजन ली के डेढ़ दो बजे के बाद में सरकार जो सारी दुकानें बंद कराई, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सरकार इससे पहले जो गाइडलाइंस दी थी कि हफ्ते के दो दिन बंद रहेंगे और चार दिन दुकानें खुलेंगे, तो सरकार के सारे रूल्स को हम फॉलो कर रहे थे और शनिचर इतवार दो दिन कर्फ्यू भी था, ये भी हम मानने हमें मंजूर था। लेकिन कल जो सरकार ने डिसीजन लिया कि कल से जो है चार मई तक दुकानें बंद रहेंगी, ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये नहीं होना चाहिए। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि हमें सरकार जो है दुकानें खोलने दें और जो रूल्स लोग सरकार के हैं फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंस है, फिर मास वगैरह है, ये सारी चीज़ें सरकार के जो है फॉलोअर्स हम करने को तैयार है। निन्ने सार्वजनिक यावदे मुंजाग्रत माहिती नीडिदे सरकार एकाएकी अंगड़ी मुंगटगळन्नु बंद माडुत्तदे, इदरल्लि एनु कंडु बर्ता इदे अंद्रे सरकार तोरिसुत्तिरो बेजवाबारी। ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾದ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಕರೋನಾ ರೋಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. 1000 ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕೂಡಿ ಇವರು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು 9 ಗಂಟೆ ಅವರು ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಗೆ ಓಕೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಂಜಾನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಮಾಲ್ ಸಾಲ ಸೂಲ ಏನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡವರ ಬಗ್ರು ಎಲ್ಲ ದಿನಗೂಲಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ ಸೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಮಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈಗ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ತ್ರಾಸಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ರಂಜಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬರುತ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಭ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗಾಮದೆ ಬರಾಜ್ ಗೈರ್ಸಮಜ್ ಪಸರಲೇಲ ಆಹೆ ಅಣಿ ವರ್ತಮಾನಪತ್ರಾನಿ या कोरोना संदर्भात लोकांच्या मनामध्ये भीती निर्माण केलेली आहे, लोकांचे धंदे बंद पडलेले आहेत, त्यामुळे चरितार्थ चालणं लोकांना फार अवघड झालेलं आहे. आणि अशा वेळेला सरकार चुकीचं धोरण अवलंबत आहे आणि चुकीचे निर्णय घेत आहे, त्यामुळे शेकडो लोकांचे जीव जायला लागलेत. लोकांना धंदे बंद पडल्यामुळे लोकांची घरं चालणं मुश्किल झालेलं आहे. लॉकडाऊन म्हणजे सगळं पूर्ण लॉकडाऊन व्हायला पाहिजे, नाहीतर हे फक्त दारू दुकान हे सगळं चालू ठेवून आम्हाला चालणार नाही. पर आम्हाला जसं आम्हाला टायमिंग दिलं त्याप्रमाणे आम्ही माल घालून सगळ्या धंद्याला आता हे केलं, पैसे लावलेले हे आता कर्ज बाजार येऊन बसले. मागचा आज जो है फिर से दोबारा पूरे व्यापारी लोग किर्लोस्कर रोड, खड़े बाजार, गणपति गली, मारुति गली के सारे लोग जो है डीसी साहब के पास वापस से हम स्ट्राइक करके आए हैं. हमारे को जो है लॉकडाउन के खिलाफ हम लोग नहीं है, हमारे साथ जो है ना इंसाफी हो रही है. दारू के दुकान चालू हैं, उनको आप ना इंसाफी नहीं कर रहे. और कपड़े के दुकान जो जरूरत की चीज़ है और रमजान में जो चीज़ लगने वाली है इसके लिए आप जो है बंद करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे. आज जो है इमरजेंसी के लिए जो लोग उम्मीद से दुकान खोले थे पुलिस आके मार के जो है दुकान बंद करा रही है, ये कहाँ की इंसाफ है? ये गरीब लोगों को पुलिस मार रही है. आज हमारे को डीसी साहब को हम लोग जो है डीसी साहब को एक मनवी पत्र देंगे, अगर हमारे को आज शाम तक के रिजल्ट नहीं देंगे तो कल सारे पूरे बेलगाम के लोग मिलकर जो है रोड पर उतर कर स्ट्राइक करेंगे. ये हमारे को कोरोना से जो है नहीं डर नहीं है, हमारे को भूख प्यासी से मरने के खौफ आ गया है. आज इंसान को ऐसी हालत आई है, अगर ये लॉकडाउन हो गया तो एक इंसान दूसरे इंसान को मार कर खाने की जैसी नौबत आ गई है. कि उनका मसला ऐसा है कि किसी भी हालत में अभी उन्होंने जो मटेरियल डाला है का मटेरियल का आगे क्या करेंगे, लेकिन हमने डीसी साहब से बताया कि थोड़ा रिलैक्सेशन जो है थोड़े दिन के लिए देना चाहिए. लेकिन ऐसी समस्या है, ये लॉकडाउन नहीं है, पूरे दुकान बंद करने को कहाँ भी बताएंगे. इसीलिए जो आवश्यक जो है वो चालू रहेगा, यानी दिन में जो जो लगता है बेकरी दे लीजिए, मेडिकल ये बाकी का सब चलता रहेगा, लेकिन जो अनावश्यक है वो बंद हो जाएगा. नहीं, कपड़े की दुकानें तो बंद है लेकिन शराब की दुकानें चालू है. उसके बाद शराब की दुकान ही बंद होना चाहिए. वो वही नहीं, हमारा देखो हम लोग नहीं अभी बात करते हैं हम लोग, वो क्या सवाल नहीं है, खाना पीना उसको बंदी नहीं है. कपड़े की दुकान है, कपड़े का दुकान का समस्या बहुत बड़ी है, उसके साथ आप नहीं बात करो बोलते हैं. लेकिन उसके लिए और उनके साथ मैं बताया, खड़े बाजार के लोग आए, आइसक्रीम वाले आए, उसके बाद बैंड वाले आए, उनके साथ बैठक करो करके बोले तो तीनों चारों लोग इधर है. अभी जो मीटिंग होने वाला है ना इसी का, खाने पीने के जो आप चीज़ बोल रहे हैं वो सभी खुले रहेंगे, बेकरी खुली रहेगी, स्वीट मार्ट और बेकरी मिल के रहते वही खुली रहेगी. बेलगाम शहर में आज आला पुलिस अफसरों ने सड़क पर घूम फिर कर मास्क न पहनने वालों को मास्क तकसीम कर कोरोना आलमी वबा के बारे में बेदारी दिलाने की कोशिश की. बेंगलोर एडीजीपी भास्कर राव बेलगाम में दाखिल हुए. बेलगाम बागलकोट बीजापुर के लिए कोरोना पर काबू पाने के लिए भास्कर राव को भेजा गया, लिहाजा आज बेलगाम शहर में मुख्तलिफ सड़कों पर घूम फिर कर एडीजीपी भास्कर राव, एसपी हमजा हुसैन दखनी और दीगर जिम्मेदार अफसरान ने आवाम को मास्क पहनने की ताकत फरमाई. इसी तरह नई नई तरकीबों के साथ कारपोरेशन बेलगाम की जानिब से मास्क बेदारी पर मुहिम चलाई जा रही है. कॉर्पोरेशन बेलगाम की जानिब से आज ऊंट पर बैठकर मुहिम चलाई गई और मास्क को लेकर बेदारी दिलाने की कोशिश की गई है. ये एक नया अंदाज आज बेलगाम वालों को देखने को मिला. कॉर्पोरेशन मोहकमा की जानिब से कोरोना आलमी वबा और मास्क की हिदायत दी जा रही थी, ऊंट पर ऐलान की वजह से आवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो रहे.
बेलगाम शहर शाहपुर इलाके को कपड़ों का बाजार कहा जाता है, लिहाजा कपड़ों के बाजार के लिए यह काफी मशहूर बाजार है। लिहाजा आज हुकूमत के अचानक बंद पर शाहपुर के कपड़ा व्यापारियों ने नाराजगी का इजहार करते हुए फैसले को गलत और मनमानी करार दिया। मिनी लॉकडाउन के तहत तमाम तो कारोबार को शुरू करने का फैसला लिया गया, पर कपड़ों की दुकानों को बंद किया गया। वजह रहे कि शाहपुर की साड़ी मुल्क भर में मशहूर है और शादी ब्याह के मौके पर मुल्क भर में इसकी मांग रहती है। अचानक बंद करने से मोदी और येडियुरप्पा हुकूमत पर नाराजगी का इजहार यहाँ के ताजरों ने किया। ईसा फाउंडेशन बैल हमदल की जानिब से गरीब यतीम जरूरतमंदों को राशन तकसीम किया गया। खिदमत खल्क में हमेशा ईसा फाउंडेशन पेश रहती है, लिहाजा रमजान के वक्त जरूरी राशन और इफ्तार के सामान को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम अंजाम दिया गया। ईसा फाउंडेशन बैलोंगल और अतराब के करियों में घर घर जाकर राशन को तकसीम करते हैं। मदरसा अरबी अनवरुल उलूम के तमाम जिम्मेदारान हजरत शेख हनीफ साहब, मौलाना हबीब पठान, मौलाना शौकत साहब और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया गया। इस वक्त ईसा फाउंडेशन एक और तारीखी काम को हमेशा अंजाम देता रहता है, वो है इज्तमाही निकाह। लिहाजा इस साल हालात नासाजगार होने की बिना पर इज्तमाही निकाह नहीं कर पाए, लिहाजा आने वाले दिनों में ईसा फाउंडेशन अपने खिदमात को अंजाम देता रहेगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।